सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अशोक लाहोटी के समर्थक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। सांगानेर सीट से भाजपा विधायक के टिकट कटने के बाद समर्थक विरोध जता रहे हैं। वहीं वैश्य समाज की ओर से भी सांकेतिक विरोध किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां जिस ढंग से वैश्य समाज की अनदेखी कर रही है कि वैश्य समाज अब सहन नहीं करेगा। आज 25% वोटर हमारे वैश्य समाज के जयपुर में हैं, उसके बावजूद ही उसे एक टिकट दिया गया है और दोनों पार्टियां इग्नोर कर रही है, तो ये कब तक सहन करेंगे? सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा समाज में हर काम में एक्टिव रहते हैं, धार्मिक सामाजिक कोई काम हो उसमें वैश्य समाज अग्रणी रहता है और वो कैपेबल भी है, समर्थ भी है, जो कुछ दे सकता है, तो उस समाज को आप इग्नोर कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं हमारे युवा नेता को टिकट के लिए पुनर्विचार किया जाए। ये सांगानेर की जनता के साथ बड़ा दुर्भाव हो रहा है, वहाँ लोग कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं और कोई काम नहीं करना चाहता। जब तक अशोक जी लाहौट नहीं आएंगे तो हम कोई काम नहीं करना चाहते। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, वैश्य समाज लाहौटी के समर्थन में उतरा है, क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, आज बीजेपी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया वैश्य समाज की ओर से लाहौटी ने। उनका कहना है कि प्रदेश के अंदर समाज जो है वो लगातार डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ रहा है, बहुत डेवलपमेंट उनका साथ रहा है। ऐसे में भी अगर दोनों ही पार्टियां, उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वैश्य समाज का योगदान है समाज के उत्थान को लेकर, लेकिन उनकी जो उनको जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए दोनों ही पार्टियां उसको दरकिनार कर रही है, तो इस चीज को लेकर आज उनका प्रदर्शन था। और उसके साथ में अशोक लाहौटी का जिस तरीके से टिकट काटा गया है और वहां से बाहरी कैंडिडेट, वो भजनलाल शर्मा को बाहरी कैंडिडेट करार दे रहे हैं क्योंकि वो भरतपुर से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि बाहरी को अगर देना ही था तो किसी वैश्य समाज के आदमी को भी अगर दे सकते थे, यहाँ तक कि अगर कोई सांगानेर का लोकल पर्सन होता अगर उसको देते तो उनका विरोध नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से बाहरी आदमी को, बाहरी कैंडिडेट को उन्होंने यहाँ पर बीजेपी से उतारा है उसका उनका विरोध है। प्रतिमा दुर्गेश, जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी इस फैसले को वापस ले सकती है? देखिए, दो दिन पहले राजेंद्र राठौड़ से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था किसी भी कीमत पर राजस्थान में टिकट नहीं बदले जाएंगे, जो एक बार तय हो गया है उन्हीं टिकट्स को जो है वो कंसिडर किया जाएगा, बदलाव की स्थिति फिलहाल जो है वो नहीं है। आज कोर कमेटी की भी बैठक होने वाली है, उसके बाद हो सकता है कुछ चीजें सामने आए। फातिमा, चलिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो वैश्य समाज एक बार अशोक लाहौटी के विरोध में उतरा है, वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय पर लाहौटी समर्थकों ने विरोध किया।